सो हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में जो वीडियो देखे, अगर आप भी इस प्रकार का वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो अभी इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो आप भी इस प्रकार का वीडियो क्रिएट करके अपने इंस्टाग्राम आई डी पर अपलोड कर सकते हो, बहुत ही सारा व्यूज एंड लाइक पा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहना। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप लोगों को लाइक से हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है आप लोगों को नए नए ट्यूटोरियल देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना बकवास किए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को इस प्रकार से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर न्यू टेस्ट जो लिखा हुआ है इसको डिलीट करना है, तो डिलीट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना एंड यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे जैसे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, ये आपका टेस्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर में देखिए आपको थ्री डॉट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करना। साइज वाला ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ नौ यहाँ पर भर देना एंड यहाँ सेकेंड वाला ऑप्शन पर आपको 16 भर देना, यानी कि 16, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, ओके का ऑप्शन पर क्लिक कर देना। कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से ए वाला ऑप्शन पे क्लिक करना एंड टेस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट को सिलेक्ट कर लेना एंड यहाँ से जो भी टाइपिंग रहेगा उसको यहाँ से डिलीट कर देना, ठीक है। डिलीट करने के बाद दोस्तों, यहाँ से होम स्क्रीन में हम चले जाते हैं। नोट एप्लीकेशन में मेरा जो शायरी लिखा हुआ है, यहाँ से दोस्तों इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप देख के आप भी इस प्रकार शायरी को लिख लेना, ठीक है। लिख लेने के बाद दोस्तों, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से होम स्क्रीन में आके पिक्सल लैब को यहाँ से ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों, यहाँ से इस प्रकार फिर दबा के रखेंगे थोड़ा सा हो तो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, पेस्ट पे क्लिक करना, ठीक है। पेस्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार का आपका इंटरफेस खोल के आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस प्रकार इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, इतना में। एंड यहाँ से दोस्तों, एडजस्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से नीचे में रख लेंगे, ठीक है। रखने के बाद दोस्तों, यहाँ से इसका फॉन्ट को चेंज करना है, तो एवी फॉन्ट पे आना। आने के बाद दोस्तों, माय फॉन्ट को सिलेक्ट करना एंड यहाँ से खान बोल्ट को सिलेक्ट कर लेना एंड यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, स्पेसिंग का जो ऑप्शन रहेगा यहाँ पे क्लिक करना है एंड इसका स्पेस थोड़ा सा डाल देना, ठीक है, इस प्रकार से। एंड यहाँ से डन पे क्लिक करके इसका साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना, यानी कि बढ़ा लेना कुछ इस प्रकार, ठीक है। बढ़ाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे इसको सेंटर में रखना है, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए रिलेटिव पोजीशन, इसमें क्लिक करना है एंड यहाँ से इसको इस प्रकार क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसके स्पेसिंग को बढ़ा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। एंड यहाँ से डन कर लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ से कलर चेंज करना है तो कलर वाला ऑप्शन पर आना एंड यहाँ से सबसे पहले एक कलर ब्लैक को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ब्लैक को सेट करने के बाद दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे, आप जो टैप जो सेट टेस्ट में आप कलर चेंज करना चाहते हो उस टेस्ट को इस प्रकार सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से रेड डाल देना, जो कलर आपको अच्छा लगे उसको यहाँ से इस प्रकार से कलर को चेंज कर लेना, ठीक है। एक एक करके सभी टेस्ट में जो जो कलर रखना चाहते हैं यहाँ से इस प्रकार हम कलर को चेंज कर लेंगे एंड यहाँ से इसका आगे वाला को वाइट रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से इसका आगे ग्रीन कर देंगे, ठीक है, ग्रीन कर देंगे यहाँ से, तो ग्रीन वाला कलर को सिलेक्ट करके ग्रीन कर देंगे एंड नीचे में भी इसी प्रकार से आपको कलर को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ से हम ग्रीन को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड सॉरी, ग्रीन को सबसे पहले पहला टेस्ट में ग्रीन को रख लेते हैं। ग्रीन को रखने के बाद दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप दोस्ती में हमको वाइट को रख लेना, ठीक है, वाइट को इस प्रकार रख लेना एंड यहाँ सहारा जो है इसको यहाँ से कलर चेंज कर देना। तो यहाँ पर दोस्तों, हम रेड डाल देंगे, इस प्रकार से रेड डाल देंगे और यहाँ से जो लास्ट में टाइपिंग है उसको फर्स्ट वाला कलर यहाँ से इस प्रकार यहाँ के भी कलर को चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार कलर चेंज कर लेंगे, यहाँ से जाएंगे कलर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ से कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ से डन कर लेना। डन करने के बाद दोस्तों, यहाँ से जो भी इसका स्ट्रोक रहेगा इसको यहाँ से एक बार इनेबल कर लेना एंड इसका जो यहाँ से माइनस तरफ इधर रख लेना, ठीक है। एंड यहाँ से डन करना और शेडो का भी ऑप्शन को यहाँ से इस प्रकार सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। हम दोस्तों, प्लस वाला आइकन को ऊपर से देखिए, प्लस का जो आइकन है यहाँ पे क्लिक करना, फ्रॉम गैलरी को सेलेक्ट कर लेना एंड यहाँ से कुछ पीएनजी का आपको इस प्रकार सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इस पीएनजी का भी लिंक मिल जाएगा दोस्तों, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, कुछ इस प्रकार सेलेक्ट कर लेना एंड रिलेटिव पोजिशन इसको भी यहाँ से बे सेंटर पर रख के यहाँ से डन कर देना एंड इसका भी स्टोक को इनेबल कर लेना एंड इसमें भी शेडो वाइट कलर का शेडो को ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ से वाइट कलर शेडो को ऐड कर लेना
एंड यहाँ से इसका जो सेट हो इसको इस प्रकार रख लेना एंड यहाँ से डन करना। डन करने के बाद दोस्तों फिर से ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, प्लस वाला पे क्लिक करके एडिट को सेलेक्ट कर लेना एंड यहाँ से अपना इंस्टाग्राम का जो भी यहाँ पे आईडी का नेम रहेगा उसको यहाँ से आपको इस प्रकार से यहाँ सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इस प्रकार तो हम कुछ यहाँ एग्जाम्पल के लिए आपको लिख के दिखा रहे हैं, आप अपना इस प्रकार लिख सकते हैं 1 2 3 दाह इस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दे देंगे एंड यहाँ से इस प्रकार डन कर लेंगे एंड इसको यहाँ पे इस जगह पे आपको एडजस्ट करना है कुछ इस प्रकार, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों इसका भी एपी फॉन्ट में जाना, माय फॉन्ट को सिलेक्ट करके कुछ फॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना एंड यहाँ से डन कर देना। डन करने के बाद दोस्तों इसमें भी स्पेसिंग थोड़ा सा डाल देना है, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से स्पेसिंग डाल देना एंड यहाँ से डन करना। इसका स्ट्रोक को यहाँ से इनेबल कर लेना एंड इसको 1 पे रख लेना, इस प्रकार 1 और 3 पे रख लेना एंड यहाँ से डन करना। शेडो वाला ऑप्शन को भी इस प्रकार क्लिक कर देना एंड यहाँ से आगे चले जाना। इनर शेडो को भी यहाँ से इनेबल कर लेना कुछ इस प्रकार, सॉरी इसको ऑफ कर लेना, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लग जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रकार इसको एडजस्ट कर लेंगे इस प्रकार एंड यहाँ से देखिए इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, 4 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना, ट्रांसपेरेंट को यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ PNG बन जाएगा। अब दोस्तों इस PNG को सेव करने के लिए ऊपर आइकन में मिल जाएगा सेव का, यहाँ पे क्लिक करना, सेव एज इमेज पे क्लिक करना एंड यहाँ से कस्टम को सिलेक्ट करके यहाँ से अल्ट्रा कर लेना एंड सेव टू गैलरी कर देना, ठीक है। सेव टू गैलरी जैसे कीजिएगा दोस्तों ये आपका पिक्सल लेफ फाइल में सेव हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आपको होम स्क्रीन में आना एंड लाइट मोशन एप्लीकेशन को इस प्रकार से ओपन कर लेना, ठीक है। तो ओपन होने तक दोस्तों यहाँ से कुछ सेकंड आपको वेट कर लेना होगा। इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, प्लस पे क्लिक करना। उसके बाद दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, 9:16 लेंगे, बैकग्राउंड कलर में आपको ब्लैक रख लेना, ठीक है। ब्लैक रखने के बाद दोस्तों यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो नीचे साइड में देखिए आपको प्लस का जो आइकन है यहाँ पे क्लिक करना, मीडिया आपको क्लिक करना और पिक्सल लैब में आपका ये PNG सेव हो जाएगा, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इस प्रकार सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक ऑडियो निकाल लेना है, तो प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे क्लिक करना और इसी का ऑडियो को आपको निकाल लेना है पहले, ठीक है। इस प्रकार से तो जिस फाइल में रहेगा मेरा अलर्ट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और यहाँ से इसका ऑडियो को इस प्रकार निकाल लेंगे। इस वाला वीडियो पे क्लिक करेंगे, वीडियो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑडियो करके इस वीडियो को यहाँ से डिलीट वाला ऑप्शन से डिलीट कर देंगे। उसके बाद इसका ड्यूरेशन में चले जाएंगे, PNG वाला लेयर पे क्लिक करके इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से लेयर को इसका भी बढ़ा लेना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से PNG वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, प्लस एड इफेक्ट पे क्लिक करना, प्लस एड इफेक्ट पे क्लिक करना, लाइनर स्ट्रेक को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों सबसे पहले इसको यहाँ 0 पे रख लेना, एक प्लस लगा देना एंड 0.2 पे रख लेना, ठीक है। यहाँ से 0.2 पे रख लेना, कुछ यहाँ से आपको क्या करना है, कुछ सेकंड आगे चले जाना, ठीक है। यहाँ से तो दोस्तों यहाँ पे हम 2 सेकंड आगे चले, यहाँ पे 1.16 यहाँ पे 2 सेकंड हम रख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार उसके बाद एक प्लस लगा देंगे, इसको यहाँ से माइनस कर देंगे कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार, अब दोस्तों यहाँ से इस प्रकार यहाँ से इनेबल कीजिएगा, इस प्रकार से दिखने लगेगा, इस प्रकार से अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, फिर से इसी वाला ऑप्शन इफेक्ट को ओपन कर लेना, ठीक है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 डॉट का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना, कॉपी पेस्ट कर लेना, लाइनर को सिलेक्ट करके यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ से अब इसको यहाँ से फिर से सेकेंड वाला ऑप्शन को क्लिक करना। उसके बाद दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, आपको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एंगल का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एंगल पे आपको क्या करना है, यहाँ से 40 रख लेना, ठीक है। 40 रख लेना, इस प्रकार से 40 यहाँ से कर लेना, ठीक है। इस प्रकार 45 रख लेना, 45 रख लेना, ठीक है। 45 रखने के बाद दोस्तों यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर से यहाँ से कॉपी इफेक्ट करके लाइनर पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करना एंड कॉपी पेस्ट को इफेक्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद तीसरा लाइन पर क्लिक करना, यहाँ से एंगल को आपको बढ़ा के यहाँ से क्या करेंगे, आपको यहाँ से 90 रख लेना, ठीक है। इस प्रकार 90 रख लेना, कुछ यहाँ से 90 रख लेंगे, ठीक है। 90 के 90 के लगभग 90 में रख लेना, ठीक है। 90 में रख लेना, इस प्रकार से 90 में रखने के बाद दोस्तों 3 डॉट पे क्लिक करना, फिर से कॉपी इफेक्ट कर लेना एंड लाइनर पे क्लिक करके 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से 4 नंबर पर क्लिक करना एंड यहाँ से इसका एंगल को आपको क्या करना है, यहाँ से 135 कर लेना, ठीक है। 135 कर लेना, इस प्रकार से
135 कर लेना, ठीक है 135 यहाँ से रख लेना इस प्रकार, एंड यहाँ से डन कर देना है, ठीक है डन कर देना। अब दोस्तों कुछ प्ले कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपका इफेक्ट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों फिर से इसी PNG पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से प्लस ऐड इफेक्ट को क्लिक करके वेब वर्क को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों वेब वर्क को यहाँ से इनेबल कर लेना एंड यहाँ से प्लस लगा देना। एक प्लस लगाने के बाद दोस्तों यहाँ से 2.50 चले जाना, ठीक है 2.50 यहाँ पे चले जाना है आपको इस प्रकार से स्क्रॉल करके 2.50 चले जाना, ठीक है 50 पे यहाँ पे रख लेते हैं, 50 पे रख लेना, आप भी 50 पे रख लेना एंड यहाँ से इसका लास्ट ड्यूरेशन में चले जाना। लास्ट ड्यूरेशन आने के बाद फिर से प्लस लगा देना एंड इसको यहाँ 0 पे रख लेना, ठीक है 0 पे। 0 पे रखने के बाद दोस्तों नीचे आना, स्पेसिंग को क्लिक करके यहाँ से 4.0 रख लेना, 4.0 रख लेना, 4. यहाँ से 0 रख लेंगे इस प्रकार से 4.0 रख लेना एंड मैग्नीट्यूड को यहाँ से क्लिक करके 1.5 रख लेना, ठीक है 1.5 रख लेना एंड यहाँ से यहाँ 1.5 रख लेना इस प्रकार, 5 रख लेना, 6 यहाँ चला गया, 5 रख लेते हैं यहाँ से इस प्रकार 5 रख लेंगे, यहाँ से इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद दोस्तों फिर से इस प्रकार से देखिए इफेक्ट लग जाएगा आपका। अब दोस्तों फिर से PNG पे क्लिक करना, यहाँ से इफेक्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना एंड प्लस ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना, यहाँ से सिंपल स्टार्ट फील्ड को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको यहाँ से इनेबल कर लेना, इनेबल करने के बाद दोस्तों एक यहाँ से प्लस लगा देना और यहाँ से माइनस आपको कर लेना है, -150 रख लेना, ठीक है 150 -150 रख लेना, यहाँ से 150 रख लेना, ठीक है -150 यहाँ पर रख लेंगे। आप भी इस प्रकार से रख लीजिएगा, इस प्रकार यहाँ ज़्यादा हो गया तो इसको हम यहाँ से कम कर लेंगे, ठीक है इस प्रकार से -150 रख लेंगे यहाँ से इस प्रकार। उसके बाद दोस्तों इसका लास्ट ड्यूरेशन में चले जाना, प्लस लगा देना और इसको यहाँ से जिस जगह पहले था उसी जगह 0 पे रख लेना, ठीक है यहाँ से 0 पे रख लेना, यहाँ से इस प्रकार 0 पे रख लेना, ठीक है इस प्रकार से 0 पे रख लेना एंड यहाँ से 0 पे। उसके बाद दोस्तों इसका साइज को अगर आप यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से साइज को भी आप यहाँ से इंक्रीज कर लेना, तो यहाँ पे 150 हम रख लेते हैं, ठीक है 150 के लगभग यहाँ पे रख लेंगे। एंड इसका कलर को अभी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर चेंज कर लेना, तो यहाँ ब्लैक स्क्रीन है तो यहाँ से हम वाइट को ही रखेंगे एंड यहाँ से इस प्रकार डन कर लेंगे। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ से देखिए इस प्रकार का आपका यहाँ पे इफेक्ट लग जाएगा। अब प्ले कीजिएगा दोस्तों बन जाएगा, यहाँ से इस प्रकार आपका वीडियो बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।